हम लोग सेफ नहीं है, अब हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है, स्कूल में भी सेफ नहीं है, रास्ता में भी सेफ नहीं है, तो कहाँ रहेंगे हम लोग सेफ? तो आज फांसी होना ही है। उसने जो जैसा अपराध किया है, जैसा जघन्य अपराध किया है, उसके लिए मौत की सजा भी कम है, और उससे भी कठोरतम अगर कोई सजा हो जाए वही उसको मिल जाए। ऐसा क्राइम करने वाला को तो फांसी ही चाहिए, 100% फांसी का सजा होना चाहिए उसको। इस कैपिटल पनिशमेंट के वजह से ये सोसाइटी में एक मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा ऐसा काम ना करें। মাটিগড়া নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আজ অভিযুক্তের ঐতিহাসিক সাজা ঘোষণা করতে পারে শিলিগুড়ি আদালত। রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা শহরবাসী। এক বছরের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে মামলায় অভিযুক্ত মোহাম্মদ আব্বাসের সাজা ঘোষণা হবে আজ। প্রসঙ্গত, গত বছর 21 আগস্ট মাটিগাড়া থানা অন্তর্গত একটি ফাঁকা জায়গায় স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং নৃশংসভাবে খুন করা হয়। ঘটনার 6 ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ মোহাম্মদ আব্বাসকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে আদালতে মামলা চলছিল, একাধিকবার বিভিন্ন কারণে পিছিয়েও গিয়েছিল রায় ঘোষণা। অবশেষে গত বুধবার অভিযুক্ত মোহাম্মদ আব্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। তবে সাজা ঘোষণার জন্য আজকের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাজা ঘোষণার দিকে নজর রয়েছে সকলের। क्योंकि जैसा किया है उसका सजा तो उसको भुगतना ही है। हम लोग सेफ नहीं है, अब हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है, स्कूल में भी सेफ नहीं है, रास्ता में भी सेफ नहीं है, तो कहाँ रहेंगे हम लोग सेफ? उसके लिए जो जैसा करनी हो वैसा भरनी है, कहावत है, उसी तरह उसका आज फांसी होना ही है। सजा मिलेगी एक देखिए एक इंसान होने के नाते इंसान के लिए कट 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 मौत मौत मांगना ठीक नहीं है। लेकिन उसने जो जैसा अपराध किया है, जैसा जघन्य अपराध किया है, उसके लिए मौत की सजा भी कम है, और उससे भी कठोरतम अगर कोई सजा है वही उसको मिल जाए। जो दिया है उसमें वो दोषी करार दिया है ना, और जो हमारा बच्ची है, बच्ची तो नहीं रही, 29 टाइम्स उसने चेहरे में ऐसा ईर से इतना मारा था ना, मतलब चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा क्राइम करने वाला को तो समाज में जीने का तो अधिकार ही नहीं है, इसीलिए हम लोग तो फांसी ही चाहते हैं। इस कैपिटल पनिशमेंट के वजह से ये सोसाइटी में एक मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा ऐसा काम ना करें, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसीलिए कानून को गुमराह करने का आम नागरिक ये ना समझे। और मेन बात मैं यही बोलती हूँ कि ये केस क्यों इतना अच्छी तरह से इसको प्रोसीड्योर हुआ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का हाथ था। यदि कोई भी केस यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यदि अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करे तो उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पीरियड में जो एक आपका ये जो एक्सक्लूसिव पावर जो पुलिस को देता है उसको जज भी डिनाई नहीं जज भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो यदि एक पुलिस ऑफिसर एक अच्छा और नेक और एक जो गुड नागरिक है तो उसको इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और है जो हम लोग का सबसे बड़ा एडवोकेट विवाह चैटर्जी सर ने भी इस केस को बहुत अच्छी तरह से उसने इस केस को अंजाम दे दिया। 100% फांसी का सजा होना चाहिए उसको, कैपिटल पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। जिस कैपिटल पनिशमेंट में सारा ये हम लोग का जो आम नागरिक को ये मैसेज जाना चाहिए कि किसी को भी इस तरह से काम करने के आगे 10 बार वो सोच ले कि ये काम करना गुनाह है। सत्य की फांसी देंगे या उम्र के सजा होगा, इससे हम बताते थोड़ा सा क्राइम में थोड़ा कम होगा। इतना जो क्राइम बढ़ रहा है, पहले पहले क्राइम को छुपाते थे, अभी लड़के लोग आगे बढ़ रहा है, हिम्मत कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि आज जितना हो सके हम लोग का वाकई ही रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा होगा। हम यही आस में पूरा प्रे करके आए हैं आज अच्छा रिजल्ट हो, सबको एक एग्जाम्पल बने, कोई किसी को छेड़ ना सके, ये सब क्राइम आगे ना बढ़े। Okay, come here.